ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, जरा देखा जाए भाई। ये देखो भाई, हालांकि 25-20 शहर एक्सेप्ट कर दिया है, पर इसकी माँ का किक ही नहीं हो रहा। ये किक नहीं हो रहा। ये देखो भाई, ये देखो भाई, एनवीडिया का ड्राइवर भी है वो। मैंने ऐसा लगता है कि भाई पहले ड्राइवर वर्जन देख लो कौन सा है। ड्राइवर वर्जन है एनवी ड्राइव 516.59, सही है ये वाला ड्राइवर भाई। ऐसा है ना, ये वाले ड्राइवर पे आप अगर इंस्टॉल करके, सही है, इंस्टॉल करने के बाद एक्सप्रेस इंस्टॉल करना, ठीक है, एक्सपीरियंस भी कर देना है, एनवीडिया एक्सपीरियंस को भी कर देना इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद है ना भाई, जो इसलिए पिछले वाली LHR अनलॉक वाली जो मेरी वीडियो है वो वाला ट्रिक यूज़ कर लेना एंड टास्क करके। फिर उसके बाद भाई तुम दोबारा डालोगे ना ड्राइवर, उसके बाद तो भाई किक ही नहीं होगा, देख रहे हो भाई। और आपको ये भी एक बता दूं कि भाई मैं LHR मोड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सही है। कार्ड LHR है, इसकी हिस्ट्री कहाँ है भाई, रुक जाओ हिस्ट्री दिखाता हूँ इसकी। कार्ड दिख गए तुमको भाई, कार्ड दिखे क्या, नहीं लास्ट में दिख लिख के आ रहे LHR, ओके दोनों कार्ड। अब बेंच मार्किंग में आपको बता देता हूँ, मैं बेंच मार्किंग खोला मैंने, बेंच मार्किंग के अंदर देखो भाई, ये देखो LHR वाला सिस्टम नहीं है इसमें, सही है ना। LHR मैंने जो जो नाइस है इसने दिया है हमको LHR यूज़ करने के लिए, वो मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ। LHR ओरिजिनल पुराना वाला प्लगइन्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये सब LHR, देखो विदाउट LHR यूज़ करे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। लेटेस्ट वर्जन देख लो NB माइनर 7. परमानेंटली भाई, ये देखो परमानेंटली मेरा LHR अनलॉक हो गया परमानेंटली। मतलब अब मैं इस PC में भाई वो जो इसे पिछले वाली ट्रिक के अंदर भाई वो डिलीट कर दिया था मैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये वाला ऑप्शन आता नहीं है। ये वाला ऑप्शन आप चले जाएगा, एक मिनट मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको चलने दो ना, इसके लिए तो है। अभी घोड़े को देखो, ये देखो ये रहा, दिख रहा है ये भाई, ये वाली सेटिंग उसमें गायब हो जाती है, सही है ना। अब ये वाली सेटिंग गायब हो या नहीं हो उससे कोई टेंशन नहीं है, सेटिंग ये रखो ऑटो सिलेक्ट, सही है, दिख रहा है आपको। बेचारा NVIDIA से अभी तो क्रिक किक नहीं हो रहा भाई, किक हो ही नहीं रहा है, देख लो कॉ पाव चालू है अपना, एकदम मस्त टेम्परेचर पे चालू है, एक नंबर ग्रीन बोले। OC बता देता हूँ मैं, चलो आप लोगों को 3060 के लिए बेस्ट OC जो तीनों एल्गोरिथम में चलेगी, ETH, कॉपोव और ऑक्टोपस, सही है। OC बता देता हूँ मैं, ये देखो मेरी फाइनल OC है जो मेरा प्राइमरी कार्ड है, सही है। प्राइमरी कार्ड का ये है, ये GPU 2 मेरा है ना प्राइमरी कार्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा ग्लिच है। तो ये जो कार्ड है ये प्राइमरी, ये पहला वाला कार्ड है जो PCI जो सबसे बड़े सबसे फास्टेस्ट स्लॉट में लगा हुआ है, सही है। और सेकंड फास्टेस्ट स्लॉट में PCI में देख लो OC भाई, ये OC यूज़ करो एकदम परफेक्ट विदाउट रिजेक्शन भाई, सही है। और एक और चीज़ बता दूँ, अब ये सेकंड वाला जो होता है ये डायरेक्टली लगा है भाई, कोई भी मेरा PCI राइजर से नहीं लगा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ध्यान से बता दूँ भाई, PCI राइजर है ही नहीं, देख लो ध्यान से, सही है। तो इसमें देखो मैंने GPU क्लॉक प्लस 100 कर दिया हूँ, सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एकदम मस्त भाइयों। जिन जिन लोगों ने बंद कर दिया भाई, रिस्क मत उठाओ, PCI राइजर का सुनने में आया भाई, GPU माइनिंग में कौन सा तो किसका ग्रुप है, मेरा ग्रुप नहीं है, किसी के ग्रुप के अंदर एक किसी ने 50-60 कार्ड भाई एक रूम में लगाया था, दो पंखा देख 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 दिख रहा था भाई। रात होने के बाद सुबह उसने देखा कि पूरा खाक हो गया है, वो पूरा जल गया, सही है ना, पूरा के पूरा जल गया वो। तो रिस्क मत उठाओ भाई, वो लालच बुरी बला है, ये चीज़ का ध्यान दो, दिमाग से काम लो। ये देख लो,
एकदम इतना आफत चल रही है, देखो ना, हरे 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 ग्रीन ग्रीन कितना है। अरे बाप रे बाप, रावस खतरनाक भाई, खतरनाक पावर 127, वो भी विदाउट पीसीआई राइजर में क्लॉक इतनी जा रही है, बाप रे बाप, मस्त मस्त है भाई, मस्त है। सही है, अब जिन लोगों को माइनिंग अपना करना है, जो भी कुछ करना है, तो भाई मुझे मैसेज कर दो। सही है, तो मैं आप लोगों को होम सर्विस भी देता हूँ भाई, अगर चाहिए तो, तुम्हारे वेयरहाउस के लिए चाहिए, अगर मंथली सर्विस चाहिए तो भाई मुझे बोल दो, तो मैं आऊँगा, देख के जाऊँगा विद गारंटी। सही है ना, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, देख लो आप, एकदम परफेक्शन के साथ चल रहा है भाई, और फुल प्रॉफिट पैसा, समझ रहे ना। इथेरियम की ज़रूरत नहीं है भाई, इथेरियम की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, इथेरियम की ज़रूरत नहीं है हमको। इथेरियम ट्रेडिंग वेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है भाई, एक ज़माना था माइनिंग में पब्लिक करती थी, अब ज़माना बदल गया है भाई। रावन कॉइन मारो, रावन कॉइन की माइनिंग मारो, कॉनफ्लक्स की माइनिंग मारो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई। इथेरियम में फिर प्रॉफिट आएगा तो भाई ये सेम ट्यूनिंग रखना इथेरियम के लिए, बस आपको तो मालूम है इथेरियम के लिए करना क्या है, सीधा जाना है ऐसा सेटिंग में जाना है, बेंच मार्किंग करना है, बेंच मार्किंग के अंदर ये रहा आपका डैगर, का क्या डैगर डैगर ये रहा डैगर है सीटोमोटो, इसको ऑन कर दो और चालू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने दो रखा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट वो काम करेगा, देख लो भाई अपना सिस्टम। सही है ना भाई, थोड़ा दिमाग से काम लो भाई, दिमाग से काम लो भाई, देख दाख के मत करो कुछ भी, ऑनलाइन देख दाख के मत करो, चलो भाई। सही है भाई, सही है ना भाई, एकदम खतरनाक बोलते इसको।